हाँ जी देर क्यों कर रहा है? क्योंकि 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से जो अष्टदेव है, जो बाप के जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं, वो सहयोगी अभी संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो गए हैं? नहीं। और जब सहयोगी नहीं है असहयोगी का पार्ट बजा देते हैं, कोई न कोई जन्मों में असहयोगी बनते रहते हैं, वो धोखेबाज अगर धोखा देते रहे तो जिसको धोखा दिया जा रहा है वो जल्दी सफल होगा? क्योंकि अकेला चना भार फोड़ सकता है क्या? फोड़ सकता है? नहीं। इसलिए जब तक वो सहयोगी आत्मा कंप्लीट ना बने तब तक मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रवंश से जो सहयोगिनी शक्ति आती है वो भी किसी परिवार में आवेगी, या अकेले दुकेले के पास आ जाएगी? है परिवार में आवेगी। और अभी तो अव्यक्त बाप दादा ने ही इशारा दे दिया कि रुद्रमाला के मण के, चाहे वो अव्वल नंबर का मण का ही क्यों न हो, वो सब लंगड़े हैं। और लंगड़े कितना ही पुरुषार्थ क्यों न करें, लेकिन मन के ऊपर या माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक विजयमाला से सहयोगिनी शक्ति सहयोगी न बने, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ प्रवृत्ति में ही, पवित्र प्रवृत्ति में ही सफल होगा या अपवित्र प्रवृत्ति में सफल हो जाएगा? पवित्र प्रवृत्ति में सफल होगा। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गायन है, वो किस आत्मा के लिए है? वो वैष्णवी शक्ति का गायन है, जो नौवें जन्म में सतयुग में जाकर के त्रेता के अंत में, सतयुग के अंत में राम का पार्ट बजाती है। वो अभी संगम युग में भी आज से अंत तक प्रैक्टिकल जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाती है। ब्राह्मणों के जीवन में दो ही बातों का विशेष पुरुषार्थ है, कौन सा? पवित्र बनो, योगी बनो। क्या पुरुषार्थ है? पवित्र बनो, योगी बनो। वो प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता तब तक प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं दिखाएगी जब तक सहयोगिनी शक्ति
बराबर की पुरुषार्थी न हो। इसलिए दिखाते हैं कि उस पुरुषार्थी धनुष को रावण ने भी नहीं उठा पाया। किसने उठाया? सीता ने उठाया। ये प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन हो रही है। निवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन नहीं हो रही है। निवृत्ति मार्ग की दुनिया में भी कुछ हीरो पार्टधारी को कोई ने कभी नीचे नहीं दिखा पाया। बड़े से बड़ी हस्तियां क्यों न हुई हों, उनको भी नाकों चने चबा दिए। पुरुषार्थ में भी कोई नियम है? कानून है, और वो नियम कानून एक के ऊपर ही लागू होते हैं या सभी के ऊपर लागू होते हैं? सभी के ऊपर लागू होते हैं। संगम युग में अगर एक की ही बातें हैं तो परमपिता परमात्मा शिव भी अकेला स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। जो सदैव त्रिकालदर्शी है, सदा समर्थ है, सदा कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है, समान सहयोगी चाहिए। और कोई आत्मा ये कहे कि ऐसा समान सहयोगी बनने के लिए हमको तो मौका ही नहीं दिया गया, तो भगवान सबको मौका देता है। क्या कोई ये नहीं कह सकता कि हमको वो पुरुषार्थ रूपी धनुष को उठाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमारा नंबर क्यों नहीं आया? वैष्णो देवी तो उसका पार्ट प्रत्यक्ष हो गया, अभी तक बुद्धि में आया नहीं। अभी तक आपकी बुद्धि में वो वैष्णो देवी आई नहीं। आई कि नहीं आई? नहीं आई है? आई अष्टदेव नहीं आए? अष्टदेव आए? नहीं आए। इसलिए बोला कि अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जब अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। और माया से जीतकर ज्यादा मार के लेने का विधि क्या है? माया, माया से जीतकर ज्यादा मार के लेने का विधि क्या है? जो भी सरेंडर होने वाले हैं
उन सरेंडर होने वालों में पहला नंबर किसका है? हा? किसका है? माया का। तो पहली शर्त माया की पूरी कर ली। पूछने वाला पहले पहली शर्त पूरी करे। क्या शर्त? फुल सरेंडर हम हैं पहले। ऐसे तो 16,000 हैं। तो 16,000 जो पहली शर्त पूरी करें, वो भी अभी पूरी नहीं, तब उनके द्वारा दूसरा प्रश्न आता है कि अब इसके आगे माया पर जीत पाने का क्या तरीका है? वो भी बाबा ने बता दिया। सरेंडर होना बड़ी बात है या अंत तक निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो निभाने की स्टेज में देखें, कि हम कितना धनी के बने, कितना परसेंटेज है तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, संसर्गियों से, कितना सरेंडर हुए हैं। जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना उतना मीठा जरूर होगा। गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा भी नहीं होगा। ईश्वरीय सेवा में जितना हम अपने को अर्पण में बनावेंगे उतना हमारा मन दर्पण बनेगा, स्वच्छ। और मन दर्पण बनेगा, दर्पण में सब दिखाई पड़ता है ना, तो ऐसी त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज होने से माया हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकेगी। थोड़ा जोर से बोलना। महाभारत जब सिर्फ पांच पांडव बचे थे, सिर्फ पांच पांडव बचे थे, उस टाइम में जब ये भीम दुर्योधन से युद्ध किया, उनको गाँव में कदा को मार करके उनको खत्म कर दिया है ना? हाँ जी। ये होने वाली है या हो चुका है? जांग में गधा मारा, जो जांग में गधा मारा, गधा मारा गया, वो जांग तो इसलिए बोल दिया कि जांगों के बीच में कामेंद्रिय होती है। जो दुर्योधन दुशासन होते हैं वो कौन सी इंद्रिय के आधार पर दुर्योधन दुशासन खास बनते हैं? काम इंद्रिय। और उसके ऊपर अगर प्रहार हो जाएगा तो उनकी दुर्योधन दुशासन पने की शक्ति क्या हो जाएगी? खलास हो जाएगी। ये काम अभी हुआ है क्या? हो गया है, हाँ? होना बाकी है। अभी तो महाभारत युद्ध भी नहीं शुरू हुआ है।
जब युद्ध ही नहीं शुरू हुआ है तो आखिरी नजारा कहाँ से देखने में आ जाएगा? उस टाइम पर जब भीम वो दुर्योधन का सिर को एकदम पांव से मार डाला, धर्मराज बोलता था ऐसे नहीं करना है, वो भी वो राजा था ऐसे उनको द्रौपदी का उतना खराब काम किया वो करेंगे तो क्या पाता है? जब दुर्योधन नीचे गिरने के बाद उनका दुर्योधन का सिर को काट देता है। हाँ है, भीम ने दुर्योधन का सिर को खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ, वो नहीं कह रहा, ऐसे नहीं कह रहा है ना, हुआ ऐसे। हाँ, जो मन है वो मन बड़ा बाला होता है, और सर के अंदर ही मन बुद्धि होती है दुर्योधन दुशासनों की। तो सर को कुचलने की बात दिखाई है, अगर वो सर अलग कर दिया होता धड़ से तो वो बोल ही नहीं पाता, वो तो अंत तक बोलता रहा अपने सहयोगियों के साथ। क्या कहना चाहते आप तो कन्नड़ भाषा में बोल दीजिए। उनको एकदम जब युद्ध होता है तो जो पुरुषार्थी जीवन में अपने को जीते जी नहीं मार पाते, और जो अपने को जीते जी मार लेते हैं, विजयी कौन होंगे? है जो जीते जी अपने को मार लेते हैं देहाभिमान को, वो ही देहाभिमानियों के ऊपर विजयी होते हैं। दूसरे कैसे विजयी हो जाएंगे? और विजयी होते हैं तो उनको अपना शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, और वो अपने शरीर से इस दुनिया में रहते हैं, जिन्हें पांडव कहा जाता है। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, तो भीम ने कुछ गलत किया क्या? बटलीगन आप ठीक नहीं कर रहे हो। अब धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? समझ कर क्या ये? कौन है फिर? वो तो अपनी ही बात कहेंगे। है? जब एक तरफ से नियमों का उल्लंघन होता है तो दूसरा पक्ष भी नियमों का उल्लंघन करेगा, नहीं तो जीत नहीं पा सकता। और पहल कौन करता है? दो परिवार हैं, आपस में लड़ते हैं, एक परिवार ने दूसरे परिवार वालों की दो चार की हत्या कर दी,
फिर भर बाद में गुस्से में आकर दूसरे परिवार वालों ने पहले परिवार के अनेकों लोगों की हत्या कर दी। पहल किसने की? जो पहल करने वाला है वो पहले पकड़ा जाएगा या पीछे पीछे चलने वाला पकड़ा जाएगा? वो तो कहेगा हमने अपनी सुरक्षा की, आत्मरक्षा की, अगर हम आत्मरक्षा न करें तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारा पूरा का पूरा परिवार नष्ट कर देंगे। और भाई एक सीढ़ी में कहा है कि कोई ने ईश्वर सर्वज्ञ के कहने से आप में भी ईश्वर है क्या पूछो, तो हाँ करने से उनको तीन साल जूता मारो, उसका बेहद कर दिया। माने जो अपन को भगवान कहे उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाओ जिससे वो शर्मसार हो जाएं। ये जूता मारना है कोई है? स्थूल में जूता मारने वाली बातें थोड़ी है। हाँ जल के अंदर चले गए अपने ज्ञान जल में जाने से दिमाग ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा होता है। तो भी थोड़े समय के लिए चले गए, उनकी अपनी स्वाभाविक वृत्ति तो नहीं है, हठपूर्वक बैठ गए। जो हठपूर्वक बैठ जाएगा वो कितने देर तक बैठा ही रह सकेगा? आखिरी उसको गुस्सा आएगा और ऊपर आएगा ही आएगा। प्रकाश और चित्त है, प्रकाश और चित्त दोनों शब्द अलग अलग है, वेद का अर्थ क्या है? जो प्रकाश कौन है और चित्त कौन है? लेखा शक्ति प्रकाश प्रकाश कौन है? चित्त दोनों शब्द अलग अलग है। प्रकाश और चित्त, प्रकाश कहते हैं रोशनी को, रोशनी है ज्ञान की और शक्ति है योग की। ज्ञान में शक्ति नहीं है जितनी योग में शक्ति है। ज्ञान तो 70-71 साल से चलता चला आया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। अभी वो योग शक्ति चाहिए, याद की वो शक्ति चाहिए, जो कोई भी आत्मा को जब चाहे तो हम अपनी तरफ आकर्षित कर सके। उसको कहते हैं आकर्षण शक्ति। उससे नाम पड़ा है कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, वो संगम युगी कृष्ण जिसकी योग बल की पावर में इतनी शक्ति आ गई कि जब चाहे तब उसी आत्मा से उतना आकर्षण करके खींच करके उससे सहयोग ले सके। तो योग है शक्ति और ज्ञान है प्रकाश रोशनी। बाबा के आदि में बाबा ने बोला है अष्टदेव ने अष्टदेव दीदी जातियों को सुंदर किया है। उस समय जैसे बड़ी माँ और छोटी माँ तीन सोलह में थे, जो जो माता भी अगली सोलह में थी, जब बड़ी माँ और छोटी माँ स्त्री सोने में थी, जैसे कि योगी माता जी स्त्री सोने में थी, वो भी माँ थी।
बड़ी माँ और छोटी माँ पहले, एक मिनट, बड़ी माँ और छोटी माँ पहले या अष्टदेव पहले? अगर छोटी माँ पहले तो चंद्रवंश से आती है, चंद्रवंश पहले या सूर्यवंश पहले, तो छोटी माँ पहले नहीं हो सकती। हाँ, स्त्री चोले में से छोटी माँ और बड़ी माँ, हाँ, वैसे ही ये भी माँ थी ना, इसलिए पूछा वो भी स्त्री चोले में थी। ये क्या माने ज्योतिषी का प्रश्न है क्या? मुरली में तो ऐसा कुछ नहीं आया। बाबा ज्योतिषी वाली बात क्यों बोलेंगे? बाबा तो उतनी ही बात बोलेंगे जितना टेक्स्ट बुक में क्लेरिफिकेशन की बात होगी। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने से नहीं पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो बात अभी तक आई नहीं कि यज्ञ के याद में काशी नगरी पुरुष चोले में थी या स्त्री चोले में थी। और आठ देवताओं में एक देवता का नाम है निकृति। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों दिशाओं के कोने में आठ देवताएं दिखाई गई हैं। उत्तर साइड में कुबेर को, उत्तर पूर्व के कोने में है ईश्वर शंकर को दिखाया है, और ये जो सर्वोत्तम देवताएं हैं उनके अपोजिशन में निकृति को दिखाया गया है। तो देवता धर्म का ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन किसने किया है? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ग्रुप है जो बेसिक में भी ज्यादा विरोध करता रहा और एडवांस में भी ज्यादा विरोध करता है? बेसिक में भी आर्य समाजी थे और एडवांस में भी, उन आर्य समाजियों का जो आधार मूर्त हुआ जो आर्य समाजी बहुत लिटरेचर छपाते हैं और बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं शास्त्रों का, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, ऐसा ब्राह्मण व्यक्तित्व बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुआ? जगदीश भाई, उन्होंने ट्रेनिंग दे करके रखा हुआ है सभी टीचर्स को कि एडवांस की बातों का अपोजिशन कैसे किया जाए। उसी ट्रेनिंग के आधार पर वो लोग डटे हुए हैं और एडवांस ज्ञान की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक सिखाया हुआ है कि अगर वो प्रूफ के लिए बाबा की वाणी भी ला करके दिखाएं तो उनको कह दो ये तो तुम्हारी छपाई हुई वाणी है। ये बाबा की वाणी है ही नहीं।
बाबा की वाणी में ऐसा वाक्य कभी आया ही नहीं। वो दबा हुआ के पत्ते को है कोई पत्र या लेटर में दादी दीदी के साथ कोई पॉइंट है तो उसको बताने से क्या बोलेगा? तो वो दीदी दादियों के जो महावाक्य हैं, जो भाषण हैं, वो पढ़ते फिर उनका संकरण किसको लगेगा? जो दीदी दादियों के भाषणों को पढ़ेगा और उसमें से महावाक्य छांट छांट के निकालेगा तो उसको उन महावाक्यों का संग का रंग नहीं लगेगा, वो भी लगेगा। तो ये कचड़े में से सार को छांटने वाली बात हो गई। ये काम तो शिव बाबा का है, शास्त्रों में है कचड़ा भूसा और भूसे में से क्या हमको छांट के देता है, हैं? सार छांट के देता है। तो जितने भी देहधारी धर्मगुरु हुए 2000 वर्ष की दुनिया में और जितने भी उनकी शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहे हैं, उनके जो महावाक्य हैं या जो भी उनका छपाया हुआ लिटरेचर है वो सब भूसा है। हमारे लिए क्या है? भूसा। तो हम उसमें अवगाहन क्यों करें? हमें तो मालूम है ये गीता का भगवान का जो झगड़ा है कहाँ तक जाएगा, हैं? ऊंचे से ऊंचे कोर्ट में जाएगा। वहां कोई ये थोड़ा ही कह सकेगा कि हमारी छपाई हुई हमारे यहाँ की वाणी नहीं है, है? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ भी जाएगा। और तो फैसला कैसे करेगा, है? जज फैसला कैसे करेगा? जज ज्ञान जानना चाहिए ना, ज्ञान जानना चाहिए ना जज। ये फैसला जो बाबा ने बोला अखबार वाले पूरे पेज में सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, चारों चित्रों का ज्ञान तभी अखबारों में ऑल वर्ल्ड में पहुंचेगा। वो कैसे फैसला करेंगे? कोर्ट में कोई बात जाती है तो अखबार वाले भी इंटरेस्ट लेते हैं, कोर्ट तक कोई बात नहीं पहुंची हुई है। छोटे मोटे कोर्ट में लोअर कोर्ट में झगड़े होते हैं तो लोकल अखबार वाले ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेते हैं, उनकी कोई बात चारों तरफ फैलती नहीं या पैसे दे करके उनको दबा दिया जाता है, मत छापो। बाबा ये स्थिति में कहा गया भक्ति मार्ग ने सदा दीजिए ये किसको बताया, किसको बताया करके या फिर वो नहीं बताया? भक्ति मार्ग में इंद्रियों का सदा विजयी, सदा विजयी तो नारायण ही है। नारायण की कभी हार हुई ही नहीं, हार उसकी होती है जो श्रीमत के बरखिलाफ चलता है। श्रीमत के अनुकूल ही सदा चलेगा तो जिसकी श्रीमत है वो सहयोग देगा या नहीं देगा? वो ऊंच से ऊंच बाप छत छाया के समान सदैव सहयोगी रहेगा। नवा धाम है ना वो अच्छे
नौ जो अष्ट देव है वो तो देवता का रूप है, लेकिन जो भगवान का टाइटल लेता है वो कौन सा रूप है? वो भगवान का रूप है। आठ रतन चारों ओर लगाते हैं अंगूठी में और बीच में है हीरा बाप, तो जो आठ है उनमें आर्य समाज की गिनती है या नहीं है? आठ में नहीं है। जो आठ चारों तरफ रतन है और बीच में है हीरा, शिव बाप कहते हैं जो गिनती में आवे सो चक्कर में भी आवे, वो तो न गिनती में आता है और न चक्कर में आता है। तो अंगूठी में जो भी चक्कर है उस चक्कर में जो भी रतन आते हैं वो सब चक्कर में आने वाले हैं। नौवां बाप है अलग, चार जोड़ी और नौवां बाप। और भक्ति मार्ग में विष्णु के द्वारपालित जय विजय को बताया। हाँ जी, उन लोगों को एक ऋषि का श्राप मिल जाता है, वो अंदर जाने नहीं दिया करके श्राप मिल जाता है, तो श्राप से वो कहा जाता है आसुर बन गए। आसुर बन गए, उनको पूछा जाता है अच्छा आप विष्णु के विरोधी जन्म लेना है तो तीन जन्म लेना पड़ेगा, विष्णु के सहयोगी जन्म लेना है तो सात जन्म लेना पड़ेगा। फिर क्या होता है? तीन जन्म लेता है। हाँ तो उसका देह चार्ज किया है। तो पूरी बात क्लियर नहीं हुई। वो देवी बाद में तीन जन्म लेता है, उनको चांस दिया जाता है। जो तीन जन्म लेता है वो कौन कौन से जन्म है? एक हुआ और वो त्रेता में हुआ और तो एक ही बात को शास्त्रों में अनेकों रूप में दिखाई दिया है, अनेकों कहानियों के रूप में। जो अरण्याक्ष है और जो अरण्यकश्यप है वो कोई सतयुग में थोड़ा ही हुआ, कहाँ हुआ? वो भी संगम युग में हुआ। और रावण कुंभकर्ण भी, वो भी संगम युग की बात। जो शिशुपाल वगैरह दिखाए जरासंध, वो भी कहाँ की बात? और संगम युग की बात। संगम युग में ही अलग अलग जन्म हो सकता है? नहीं, एक ही कथा कहानी को अनेकों रूप में दिखाई दिया है। हाँ, अलग अलग युगों की अलग अलग टाइम पर शूटिंग होती है। वो बात मंथन से निकाली जा सकती है। बाबा मंदिर में पूजा करता है पुजारी, बाल लंबे लंबे होते हैं बाबा, इसका अर्थ क्या? क्यों, घुटमंडे पुजारी नहीं होते हैं? ऐसे पुजारी नहीं होते हैं जिनके बाल मुड़े हुए होते हैं, सिर्फ चोटी चोटी लटकती है? पुजारी तो हर तरह के होते हैं, जैसे सन्यासी हर तरह के होते हैं ऐसे पुजारी भी भांति भांति के होते हैं। और साथ साथ में हीरा साथ को न्यास करने से पाप कट हो जाते हैं,
साकार में निराकार को याद करने से पाप कट हो जाते हैं, लेकिन बीके वाले बिंदु बिंदु का याद करने से उनको पाप कट क्यों होता है? उनको पाप क्यों होता है? पाप भस्म होता है, आपने देखा? बीके वाले बिंदु को याद करते हैं, उनके पाप भस्म होते हैं। माताजी को दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हैं? दिखाई पड़ रहा है? अरे वो गुरुजी ने बता दिया वो मान लिया या आपने देखा अनुभव किया है? अरे कोई ब्रह्मा कुमारी ने आपको बता दिया है वो बात मान ली या आपने अनुभव कर लिया है? किसने सुनाया आपको उनके पाप भस्म होते हैं ये बात किसने सुनाई? हाँ, साकार में नहीं, साकार में निराकार को याद करने से। हाँ, बीके वाले कोई तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा बाबा के मस्तक में बिंदु को याद करते हैं, कोई ऐसे हैं जो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं, कोई ऐसे हैं जो दीदी दादियों के मस्तक में बिंदु को याद करने लगे पड़े हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में होता है भगवान सर्वव्यापी, हमारा गुरु ही सदगुरु है, परमेश्वर है, ऐसे बीके में भी चल पड़ता है। तो वहां भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, ज्ञान मार्ग की शूटिंग होती है, है? काहे की शूटिंग होती है वहाँ, है? भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है तो गड्ढे में जा रहे हैं भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले या ऊपर जाएंगे? गड्ढे में बुद्धि जा रही है, इसलिए मुरली में बोला है उधर हालत खराब होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी और तुम्हारी हालत सुधरती जाएगी। अभी ज्ञान में नहीं आया, ठीक है? तो बाबा इसमें आकर के वो आत्मा कैसा धर्म स्थापन करेगी? जब उतरती कला हो तभी तो धर्म पिताएं आए। अभी तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में पूरी चढ़ती कला हुई तो उतरती कला कहाँ से शुरू हो जाएगी? पूरी चढ़ती कला हो जाए फिर उतरती कला हो। मारा मारी की दुनिया की शूटिंग बाहर की दुनिया वालों के बीच बाद में होगी या पहले होगी? बाद में होगी। अभी प्रैक्टिकल में कहाँ हो गई? बोल बोल करने के हिसाब से, सुनने सुनाने के हिसाब से ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा शूटिंग हुई, फिर दूसरी मूर्ति के द्वारा मनन चिंतन मंथन संकल्पों के आधार पर शूटिंग हुई, मनसा की शूटिंग हुई, पहली मूर्ति के द्वारा वाचा की, कानों की शूटिंग हुई, दूसरी मूर्ति के द्वारा मन बुद्धि की, मनसा की सूक्ष्म शूटिंग हुई, प्लानिंग हुई,
और अभी प्रैक्टिकल तो रह गया, प्रैक्टिकल इंद्रियों में परिवर्तन कहाँ आया? प्रैक्टिकल में इंद्रियों में जीत पाने के संस्कार आए या नहीं आए? नहीं आए, तो वो अभी होना है, ये काम भी संपन्न हो जाए तब दूसरे धर्म की आत्माओं का आगमन होगा, धर्म पिताओं का। अभी तो जो बीज रूप हैं दूसरे धर्म के और जो आधार मूर्त हैं दूसरे धर्म के, वो ही पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं। वो संपन्न हो तब दुनिया भी, जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं, कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनका आना शुरू होगा। मतलब वो उस समय द्वापर में आकर के वो उनका धर्म का ज्ञान सुनाते हैं ना, तो वो आत्मा नहीं सुनाते, आधार मूर्त सुनाते हैं ज्ञान। जो शरीर है वो दूसरे का है, ऊपर से आने वाली आत्मा अलग है, तो शरीर ज्ञान सुनावेगा, तमो प्रधान ज्ञान सुनावेगा, या प्रवेश करने वाली सतो प्रधान आत्मा ज्ञान सुनावेगी? हाँ जी, अभी ज्ञान के समय कुछ ना कुछ आया ही नहीं, तो अरे अभी काम ही पूरा कहाँ हुआ है तीनों मूर्तियों का? अभी ब्राह्मण ही कहाँ बने हैं? अभी जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं वो संपूर्ण ब्राह्मण बने हैं या अभी शूद्र ही है? नहीं बने, तो पहले तो आधार मूर्त जो बीज मूर्त हैं, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनका परिवर्तन होगा, या जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी कन्वर्ट होते ही नहीं, उनकी शूटिंग हो जाएगी। वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके बाद आने वाले फॉलोअर्स, वो हैं अपने धर्म के पक्के, वो तो कभी कन्वर्ट ही नहीं होते। वो रियलिटी को अभी नहीं समझेंगे। जब मारामारी शुरू हो जाएगी, तब वो ज्ञान ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे, इसलिए वो स्वर्ग में भी नहीं आ सकेंगे, बाप की पूरी पहचान भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए बाबा वो ज्ञान नहीं ले सकेंगे ना, फिर वो उस समय आकर के अपनी ज्ञान कैसे सुनाएगा? वो इसी में से जो कुछ समझेंगे, जितनी सच्चाई उनके पल्ले पड़ेगी, वो ही सच्चाई को लेकर के परमधाम में जाएंगे। 100% सच्चाई उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। जो 100% सच्ची दुनिया में 16 कला संपूर्ण सतयुग में आ सके, मुखवंशावली ब्राह्मण विजयमाला को कहते हैं क्या? विजयमाला को उन्होंने मुख से निकले हुए ज्ञान को धारण किया, उन्होंने धारण किया क्या? जो मुख से निकला हुआ ज्ञान है उसको धारण किया है विजयमाला और विजयमाला की हेड ने, या जो शरीरधारी है उसको फॉलो किया है? तो फिर कुखवंशावली है या मुखवंशावली है? है? ये एडवांस वाले मुखवंशावली है, जो मुख की निकली हुई बातों को
कम से कम मानते तो हैं कि ये सही बातें हैं। तो वहाँ कोई मुकाम वाले नहीं है, कोई भी मुखवंशावली नहीं है। अगर मुखवंशावली होते, कुखवंशावली नहीं होते, तो जो कुख के आधार पर चल रहे हैं, दीदी दादियों के आधार पर नहीं चलते। दीदी दादाओं को जो बाबा ने डायरेक्शन दिया, इन गुरुओं को मारो गोली, उनको गोली मार देते और बाबा की मुरली के आधार पर चल पड़ते, बाबा की मुरली की बातों को मानते, तो मुरली की बातों को सुनना भी नहीं चाहते। तो मुखवंशावली कहाँ? तो उनके अंडर में रह करके वो नहीं माने, देहधारियों के अंडर में रहते हैं ना। जब देहधारियों के अंडर में है तो मुखवंशावली है या मुखवंशावली है? ब्रह्मा के मुख से मुखवंशावली वो निकले जो यज्ञ के आदि में ही निकले थे। हाँ जी, वो अभी भी निकल रहे हैं। अदिति माने खंडित और अदिति माने अखंड। अदिति छोटी माँ, छोटी माँ के पालना लिया है। बिल्कुल आदि में पालना ली होगी। बाप है तो सृष्टि के एकदम आदि में जो बाप प्रजापिता है, प्रजापिता ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा से विष्णु बनता है या नहीं बनता है? आदि में तो अंत में नहीं होगा। जब सन 36 में ये फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान का बीज पड़ा, उस समय भी वो दोनों आत्माएं एक दूसरे को सहयोग को लेने वाली और देने वाली थी, एक दूसरे को मान्यता देने वाली थी। और उनको मानने वाले भी कुछ थे जो ब्रह्मा को सर्वोपरि नहीं मानते थे, और सरस्वती तो उस समय आई नहीं थी। सरस्वती तो बाद में आई है। ये तो सीधी सी बात है, मुरलियों में ये वाक्य तो आए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। माने ब्रह्मा सरस्वती भी समझते थे कि हमसे ऊंच बनने वाले हैं। तो सिर्फ ब्रह्मा सरस्वती ही उनको ऊंच मानते थे कि और भी कोई ग्रुप था? और भी ग्रुप था जो उनको ऊंचा मानता था, ऊंचे से ऊंच समझता था? राधा बच्ची भी आदि में डायरेक्शन देते थे। इन्हें ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। जब मम्मा बाबा होंगे वो ही तो डायरेक्शन देंगे। नहीं बाबा, वैष्णव देवी का है, वैष्णव देवी आदि में थी ना। हाँ, वो भी डायरेक्शन देने के लिस्ट में थे, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने के। रंगमंच पर जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो एक को फॉलो करते हैं या अनेकों को फॉलो करते हैं? एक को फॉलो करते हैं।
डायरेक्टर तो एक ही होना चाहिए, एक एक तरफ से डायरेक्शन दे, दूसरा दूसरी तरफ से डायरेक्शन दे, तो बात बिगड़ सकती है। छुपा रुस्तम बाद में खुले, जो रुस्तम प्रजापिता वाली आत्मा है वो अंत में ही जाके संसार के सामने प्रत्यक्ष होगी। फिर उसके साथ साथ उसी सहयोगिनी शक्ति भी प्रत्यक्ष होगी। इसको नो विष एट ऑल साबित होती है। हाँ, आदि में कोई ऐसे भी तो अष्टदेव थे जो दिन दीदियों दादियों को भी श्रृंगार करने वाले थे, कोई थे या नहीं थे? तो उनमें कोई ये भी होगा जो त्रिदेवियों से भी जास्ती पावरफुल प्योरिटी में होगा। दीदी दादी को पालना किया हो? हाँ जी, ये अष्टदेव है ना, वो अष्टदेव बेसिक के दीदी दादी उनका या एडवांस के दीदी दादी उनका सिंगर करने वाले थे? एडवांस में जो दीदी दादी दादाएं होंगे वो ज्यादा पुराने होंगे, या बेसिक में जो दीदी दादी दादाएं होंगे वो ज्यादा पुराने होंगे? जो आदि में थे वो अभी भी है, एडवांस में जैसे कहा जाता है कि बेसिक में परदादी, तो एडवांस में भी कोई परदादी हुई ना, तो जो एडवांस में परदादी होगी वो तो बीज हो गई ना, और जो बीज होगी वो जड़ों की पालना करेगी या नहीं करेगी? तो कौन हुआ पुराना? परदादी। नहीं, परदादी तो दोनों में है, एक में आधार मूर्ति के रूप में और एडवांस में बीज रूप के मूर्ति में, बीज रूप में। और परदादा परदादी दादे दादी ये शब्द ही साबित करते हैं कि ये पुराने हैं, पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। तो उनको भी कोई पालना देने वाले होंगे क्या साकार में कोई? फिर कुछ नहीं लिखा है, पंडरपुर में पांडुरंग और रुक्मिणी किसका यादगार है? तो रुक्मिणी तो एडवांस में बता दिया ना है, किसका यादगार है? है जो मणि बनते बनते
रुक गई। पटरानियों में आ गई। तो यादगार का क्या मतलब है? क्या पास्ट डिक्लेयर किया जाए? किसका यादगार है? मैंने नाम रूप डिक्लेयर होना चाहिए। वे दोनों कमर पर हाथ रखे खड़े हुए हैं, इसका अर्थ क्या है? हाँ? है? जब गंगा जी आती है, जब गंगा जी का आवाहन होता है, तो गंगा जी के वेग का मुकाबला करने के लिए शंकर जी कैसे खड़े हो जाते हैं? कमर पर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। ये किस बात का यादगार है? है? सिर्फ कमर पे हाथ रख के ही खड़े हो जाते हैं कि जोर जोर से चिल्लाते भी है? है? हाँ, जोर जोर से चिल्लाते भी है। शंकर जी भी? हाँ, शंकर जी भी। ऐसे शास्त्रों में दिखाया है। किया नहीं? हाँ? किया नहीं? शास्त्रों में दिखाया है। आवाज करने का शंकर ही नहीं है, उसका योगी है, और का काम क्यों करे? गंगा पहले आती है जटाओं के अंदर, या शंकर का पुरुषार्थ पहले संपन्न होता है? पहले संपन्न होता है, तो संपन्न तो हो गया होगा। जटाओं में ज्ञान गंगा तो 76 में आई, तो 76 में जब ज्ञान गंगा जटाओं में आ गई, सर में आ गई, तो क्या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? मजबूती संपन्न हो गया, माने लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिल गया। मिल गया। आज से 10 वर्ष कम 5 पहले ये लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म हुआ, राज्य तो नहीं आ गया? जन्म हुआ, जन्म होते ही राज्य मिल जाता है क्या? करना पड़ेगा तो वो पड़ेगा, पूरा हो गया, होने वाली है। माने अभी शंकर जी बैल पे सवार हुए कि नहीं हुए? हाई जंप लगाई कि नहीं लगाई? थोड़ा साल के बाद में इंतजार करो। लक्ष्मी नारायण का चित्र लिखा है ना? लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा? आएगा। जन्म बताया कि 76 में। कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब जन्म हुआ। ये थोड़े ही कहा कि राज्य आ जाएगा। अरे चित्रों में या मुरलियों में जो भी है वो सब सच्चा सच्चा लिखा हुआ है या झूठा भी लिखा है? उंगली उठाने की तो बात ही नहीं। और दुर्योधन को एक चांस मिला है, दुर्योधन को एक चांस मिला है, एक out of the 5 you select one Pandav. Hey? Fighting game. Aisa bola na Dharmaraj.
पांच पांडव में एक को सुन लो, एक को सुन लो, एक को कलेक्ट कर लो। युद्ध करने के लिए, किसके लिए भीम को ये सेलेक्ट कर दिया? भीम को ही क्यों चुना? अहंकारी था ना, उसको अहंकार था ये पांचों इकट्ठे मेरे ऊपर वार करेंगे तो भी मैं विजयी होऊंगा, ये मेरे मुकाबले कमजोर है पांचों की पांचों, इसलिए युद्ध उसमें दुर्योधन ने भीम को मान लिया। जरासंध भी तो ऐसा ही अहंकारी था, उसने भी किसको चुना? अगर अर्जुन को चुन लेता मल्ल युद्ध में तो अर्जुन हार जाता या जीत जाता? हार जाता, वो अहंकार ने ही उसका सत्यानाश कर दिया। चलो।